गाइस मैंने एक मेथी का ऑलरेडी बता दिया था आपको बहुत पहले कि मेथी को दही में सोक करके ओवरनाइट हम मांस बनाते हैं, तो ये भी मैंने ओवरनाइट मींस सोक किया है, बट ये थोड़ा सा मांस डिफरेंट है एंड इसमें मैंने बहुत सारी चीजें यूज किए हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। गाइस मैंने इसमें है कड़ी पत्ता यूज किया है, मेथी एंड एग है एंड ये कलौंजी है और ये एलोवेरा है। कड़ी पत्ता हेल्प करता है ग्रो करने में एंड इवन मेथी भी हेल्प करता है ग्रो करने में एंड एग आपके हेयर को बाउंस करेगा, बाउंसी यानी कि सिल्की एंड शाइनिंग के लिए है एंड ये कलौंजी जो है आपको हेयर को ग्रो करने में भी मदद करता है बट ये ब्लैक हेयर को ब्लैक करने में भी आपको हेल्प करेगा एंड एलोवेरा ऑलवेज यू नो कि एलोवेरा हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने इंग्रेडिएंट्स कैसे पहले रेडी करके रखा था रात। तो गाइस मैंने ये रात को कर्ड में यानी कि दही में मैंने मेथी 2 टेबलस्पून के करीब डाला है एंड 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कलौंजी डाल के इसे ओवरनाइट सोक करके रखा है। तो इसे अभी हम अच्छी तरह से एलोवेरा को कट करके इसमें मिक्स करेंगे एंड कड़ी पत्ता उसको भी इसमें मिक्स करके हम इसे अच्छी तरह से पीस के मास्क बना लेंगे। गाइज इसे मैं अभी अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूंगी। गाइज इसमें हम ये एलोवेरा पूरा डालेंगे कट करके और इसके साइड के जो ये कांटे हैं वो निकाल के आप डालना, इसे मत डालना। जब भी आप एलोवेरा यूज करोगे फेस के लिए या हेयर के लिए तो इस तरीके से आप पहले उल्टा करके इसे पानी में कुछ देर के लिए छोड़ देना ताकि उसके सारे जो येलो वाले जो लिक्विड जो निकलते हैं वो अच्छा नहीं होता है फेस के लिए, मींस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसे आप पानी में डाल के कुछ देर छोड़ देना, उसके बाद यूज करना। और ये मैंने एलोवेरा इस तरीके से कट करके रखा था तो इसे मैं अभी इसमें पूरे डाल दूंगी। ये जो कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं फ्रेश है तो मैं इसे अभी इसमें डाल दूंगी सारे के सारे। सारे मीन्स जितने आपने मेथी लिए हैं उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालना, पूरा मत डालना एंड कड़ी पत्ता को आप फ्रेश ही डालना, सूखा है तो भी चलेगा, सूखे पाउडर बना के डाल सकते हो बट ताज़ा है तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने तोड़ दिया है, तोड़ के अभी इसमें मैं सारा डाल दूंगी। गाइस ये कुछ नीम के पत्ते हैं जो मैंने सुखा कर रखा था तो इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। नीम का पत्ता आपको हेल्प करेगा, इचिंग प्रॉब्लम होता है जो गर्मियों में बाल गीले हो जाते हैं पसीने से, तो ये इचिंगनेस और डैंड्रफ से ये फ्री करेगा आपका स्कैल्प को एंड स्कैल्प को हेल्दी रखेगा, इसीलिए मैं इसमें नीम के पत्ते डाल रही हूँ। ये ऑप्शन है, आप डालना है तो डाल सकते हो बट ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है तो आप इसे ज़रूर डालना। गाइस मैंने कुछ रेड हिबिस्कस के फ्लावर्स, ये भी हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं तो मैंने इसे सुखा कर रखा था तो इसे भी मैं डाल दूंगी क्योंकि हमें हेयर मास्क बनाना है। तो अभी हम इसे सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है तो अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस हम हेयर मास्क बना रहे हैं, मैंने इसमें थोड़ा मेहंदी भी ऐड कर दी है, ये ऑप्शन है, आप ऐड करना चाह सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हेयर मास्क में हम जिससे हमारे हेयर को ग्रोथ हो जाए इसीलिए हम डाल देते हैं। तो मैं मेहंदी का पाउडर बना दे रही हूँ, ब्रिंगराज का पाउडर है तो इसे भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि ब्रिंगराज पाउडर भी आपके हेयर Thank you.